Yes, student. Next topics and last topic in unit 5, sports participation women in India. ठीक है, तो इंडिया में वुमेंस का पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, तो कैसे होता है एक्चुअली बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वुमेंस को कि स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ती हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि जो मेंस हैं वो तो फ्री है, कहीं भी मार्केट में कहीं भी आ जा सकते हैं इजीली, बट वुमेंस के लिए ऐसा नहीं है, वो हाउसवाइफ घर के इतने उसको वर्क रहते हैं, ठीक है ना, कुकिंग का, बच्चों को रेडी करने का, हमने हर तरीके का उसका वर्क रहता है, क्लीनिंग का, ठीक है ना, वो तो वो नहीं कर पाती वुमेंस। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई वुमेंस बोलती भी अगर कि हमें पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट्स में, गेम्स में, तो उसके परिवार वाले बोलते नहीं, उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपके, ठीक है ना, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, पहले की बात है ये, बट अब क्या है, एंशिएंट की बात है, जब एंशिएंट ओलंपिक होते थे उसमें वुमेंस पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है, एक ओलंपिक गेम्स की एक बात लेके चलते हैं एग्जांपल, उसमें नहीं पार्टिसिपेट करती, बट मॉडर्न ओलंपिक में बिल्कुल डिफरेंट है, वुमेंस पार्टिसिपेट करती हैं उसमें, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक आपका 1896 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यू नो वेरी वेल, एंड एंशिएंट ओलंपिक 776 BC से, ठीक है। तो इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वुमेंस वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फीमेल हैज़ बीन एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उसमें जो फीमेल्स हैं वो बहुत अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट करती हैं और बेटर परफॉर्मेंस दिखाती हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक आपका स्टार्ट 1896 पीरियड कुबेटिन जिसने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसको उसने फाउंडर थे, ठीक है, एंड और भी बहुत से ऐसे वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं जिसमें वुमेंस ने पहला हुआ था एट लंदन में, जिसने पार्टिसिपेट किया था वुमेंस ने, और बहुत से ऐसे वर्ल्ड टूर्नामेंट हैं, ठीक है, जहाँ पर वुमेंस के जो टूर्नामेंट्स हैं वो होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती हैं। तो उसमें क्या हो गया, जब भी चैम्पियनशिप होने लगी तो उनके वुमेंस के अकॉर्डिंग ही रूल रेगुलेशंस सब कुछ चेंज करना पड़ता, मेजरमेंट सब कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो वुमेंस स्पोर्ट्स में एक बॉक्सर मैरी कॉम, ठीक है ना, यू नो वेरी वेल मैरी कॉम, तो उसकी जब वो स्पोर्ट्स में आई तो बहुत सी प्रॉब्लम क्योंकि लॉट ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स, हाउस की प्रॉब्लम और इक्विपमेंट्स की, मतलब कि हर चीज़ की प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स वहाँ पर उसको देखने को मिली, बट वो परफॉर्मेंस उसका बेटर है और उसने हार्ड वर्क किया, वो और बेटर परफॉर्मेंस करने लगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब वुमेंस हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं वर्ल्ड टूर्नामेंट में या स्टेट टूर्नामेंट हो, किसी भी टाइप्स के टूर्नामेंट्स हो, और वो सोसाइटी में अच्छे से रहते हैं, मतलब कि एक अच्छा इंकरेज करते हैं सोसाइटी उनको, ठीक है ना, कि दिस वुमेन इज़ अ गुड, ठीक है, फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो बेटर हो गया है स्पोर्ट्स के लिए वुमेंस का, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हमारे स्पोर्ट्समैन या एथलीट या और भी अलग इवेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किया है और इंडिया का नाम ऊंचा किया है, जैसे कि हमारा कुछ पार्टिसिपेट्स हैं, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मैरी कॉम हुआ वो बॉक्सिंग, PT उषा, साइना नेहवाल, अंजू बेबी जॉर्ज लॉन्ग जंप करती है, लॉन्ग जंप करती है अंजू बेबी जॉर्ज, अंजलि भागवत, सानिया मिर्जा, ठीक है, गीता जाकर, मलेश्वरी, कुंज कुमार देव, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, ठीक है, मनजीत कौर, बहुत सी ऐसी वुमेंस हैं जिसने इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स लेके आए हैं और बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो ठीक है, तो कुछ बात करते हैं कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑन इंडियन वुमेंस, ठीक है ना, कि कौन कौन से कॉजेज हैं जो कम पार्टिसिपेट करने को होता है वुमेंस के लिए, ठीक है। तो नंबर आपका वन है लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ठीक है, सबसे पहले लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ठीक है। मैं ही बात करूँ, मैं ही अपने गर्ल्स को कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ तो, ठीक है ना, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो फैमिली सपोर्ट का ही आता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं या जो भी है, ठीक है, बट ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका फैमिली सपोर्ट का ही है, ठीक है। लैक ऑफ फाइनेंस, फिर आपका फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस, कुछ प्रॉब्लम फाइनेंस की आती है, बेटर इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ स्पॉन्सर्स नहीं मिलता, आपकी बात नहीं करता हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं कुछ थोड़े ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और अच्छा स्पॉन्सर नहीं बैठता और बेटर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर लैक ऑफ फाइनेंस, ओवरबर्डन ऑफ हाउस होल्ड नीड्स, जो हमारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है उनको
घर का कुकिंग, क्लीनिंग हाउस, बच्चों को रेडी करना, ठीक है ना, ये सब इसमें लगे रहते हैं. लैक ऑफ मोटिवेशंस, ठीक है. नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ गर्ल सेफ्टी, जो गर्ल सेफ्टी उसका भी कम पार्टिसिपेशन कराते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे वुमेंस है या कोई भी है वो बाहर जाएगी उस प्रॉब, ठीक है. लैक ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन उसका भी. बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कोशिश ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेंस इन इंडिया, मतलब इन स्पोर्ट्स, वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है. जैसे कि हमारा हो गया लैक ऑफ गर्ल्स, पुअर फैसिलिटी ऑफ गर्ल्स हो गया, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, बहुत से पॉइंट्स हैं, ठीक है. तो ये कुछ आपको मैंने कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इंडिया और आपको थोड़ा इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया. तो आपको ये वुमेन्स स्पोर्ट्स अपने बुक्स में से लिख लेना है कुछ अपना क्वेश्चंस वुमेन स्पोर्ट्स का, एंड कॉजेज जो मैंने आपको बताए हैं सिक्स बताए हैं, सेवन या एट कॉजेज कर लेना, लगी लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों में.